हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बंधन युगों युगों के हैं। बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे मोहन आधे हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बंधन युगों युगों के हैं। बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे आधे मोहन हैं। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। राधा कृष्ण मिले धरती पर, अद्भुत उत्सव का दर्शन। रंग बिरंगे गुलाल उड़े धरती पे, प्रीत का पूजन है। रंग बिरंगे गुलाल उड़े धरती पे, प्रीत का पूजन है। बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे मोहन आधे है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। एक दिन कृष्ण को राधा बनाकर राधा जी बनती कान्हा। की महामाया राधा, राधा का ब्रह्म मोहन है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधा कृष्ण की प्रेम लीला। शुभ दिन आया, अनगिन गोपी अनगिन श्याम। हर गोपी संग श्याम जी नाचे, राधे के संग नाचे श्याम। प्रेम के दिव्य महोत्सव में कण कण राधे ब्रज मोहन है। प्रेम के दिव्य महोत्सव में कण कण राधे ब्रज मोहन है। महारास में शक्ति के संग पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। महारास में शक्ति के संग पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधा कृष्ण की प्रेम लीला।
अरे छोटे मुखिया, आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली, कितनी सुंदर बजाते हो। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। ये मुरली कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। राग? हाँ। कैसा? अभी जो मैं राग बजा रहा था, इसे राग भैरवी कहते हैं। बहुत सुंदर राग है, मुझे भी बजाना सिखा दो। आप सीखेंगे? हाँ लाओ दिखाओ ये कैसे बोलती है। ये आपके लिए बहुत बड़ी है। ठहरिए, मैं आपको एक दूसरी छोटी मुरली देता हूँ। हाँ। आज की पहली बिक्री आपके ही हाथ हो, ये लीजिए इसे बजाना सीखिए। इसमें भी वही राग बजेंगे? अवश्य बजेंगे, परंतु अभी नहीं, पहले इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास? हाँ। कैसा? पहले इन पर सात सुरों का अभ्यास करना पड़ता है, इस प्रकार से। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस प्रकार से नहीं, मुरली को मुंह की फूंक से बजाते हैं, इस प्रकार से। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भरते हैं। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। Thank you.
कन्वा, ये किसे प्रणाम कर रहे हो? आपके चिरंजीवी को नंद बाबा, आपका पुत्र कोई दिव्य आत्मा है, कोई महान गंधर्व है जो किसी कारणवश हमारे गोकुल में आ गया है। गंधर्व, ये क्या कह रहे हो? हाँ नंद बाबा, जब हम मुरली बजाते हैं तो उसके सुर हमारे स्थूल शरीरों को रोमांचित कर देते हैं, परंतु इन्होंने जैसे ही मुरली हाथ में ली कि उसमें से एक ऐसा दिव्य स्वर प्रकट हुआ जो हमारे शरीर की स्थूलता को भेद कर हमारी आत्मा की गहराई को छू गया। सचमुच ऐसा चमत्कार आज तक किसी ने इस धरती पर नहीं देखा होगा। अच्छा, इतनी सुंदर मुरली बजाई इसने? हाँ कृष्णा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने नहीं बजाई बाबा, गुरुजी ने कहा आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम करो। मैंने आंखें बंद करके सरस्वती माँ को प्रणाम किया, सरस्वती माँ स्वयं ही आकर बांसुरी बजाने लगी। हाँ, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा धनवा। हाँ स्वामी, हो सकता है बालक की सरलता को देखकर सरस्वती माँ स्वयं ही आ गई हो। देख लेना, एक दिन इसके मुरली के स्वर इस धरती के वातावरण को एक ऐसे दिव्य नाच से मुखरित कर देंगे जिसे सुनकर पशु पक्षी मानव तथा समस्त जड़ चेतन प्राणी मदहोश हो जाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। कान्हा, चलो बेटा घर चले, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था। तुम्हारी जसोदा मैया बुला रही है तुम्हें। जय हो, जय हो, हे देवता, जय हो। अच्छा चलो कान्हा। सुना तुमने अपने लल्ला का नया चमत्कार? अब क्या कर दिया इसने? अरे वो धनवा अपनी मुरलियां बेच रहा था, कृष्णा ने उससे एक छोटी सी मुरली ले ली और जैसे उसे अपने अधरों से लगाया उस मुरली में अपने आप राग बजने लगे। अपने आप नहीं मैया, मैंने सरस्वती माता से प्रार्थना की तो वही आकर बजाने लगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा यशोदा, ऐसा ही हुआ होगा। कितनी प्रतीक्षा के बाद मिली हूँ। चलो आज राधा को पुकारते हैं, धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए।
राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वही मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। अरे कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा, उसके पास जाकर क्या करोगी? वो मुझे बुला रहा है ना। तुझे बुला रहा है? राधा ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे कोई ग्वाला है, अपनी गायों को बुला रहा होगा, तुझे क्यों बुलाएगा भला? नहीं माँ सुनो ना, मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है, राधा 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 राधा। नंद बाबा क्या बात है? बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु जी पधारे हैं। अरे वृषभानु जी आए? उनके साथ वहाँ की पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं। पंचायत के लोग आए हैं, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, होली आ रही है ना, पिछले वर्ष होली में हमने आक्रमण किया था उनके गांव पर और फाग भी खेला था। इस वर्ष बरसाने वालों की बारी है गोकुल पर आक्रमण करने की, इसी की व्यवस्था के लिए आए होंगे। तुम एक काम करो, सबके लिए छाछ और माखन लेकर आओ। अच्छा। कृष्णानु जी, पधारिए, विराजे, विराजे। नमस्कार भाभी। नमस्ते। लीजिए। भाभी लस्सी में इतना माखन? इतनी दूर से चलकर आए हैं ना, थकन उतारने के लिए इतना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा 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 ठीक है। अरे राधा बेटी अभी आई है? हाँ हम लोग चलने लगे तो जिद करके रास्ते में बैठ गई कि मैं भी गोकुल चलूंगी। अच्छा किया बेटी, तेरे बाबा तो पंचों से बातें करेंगे, तू यहाँ क्या करेगी? चल मेरे साथ अंदर चल। हाँ हाँ भीतर कृष्णा है, उससे कहना कि इसे अपने सखाओं से मिलाए। जी हाँ हाँ बेटी जा, अपनी जसोदा काकी के लल्ला के साथ खेल जा। चल। देखो लल्ला। ये वृषभानु जी की लल्ली है राधा। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम इसे अपने संग ले जाओ खेलने के लिए। अच्छा मैया चलो। अरे तनिक रुको तो, इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दो, बरसाने गांव से आते आते प्यास लग गई होगी। बेटी तू यहाँ बैठ जा, मैं भी दूध लेकर आती हूँ। Yeah.
परिचय है। परिचय है। बेटी दूध पियो। इसे अपने साथ ले जाओ। गोकुल देखने आई है ना, और देखो बहुत दूर नहीं जाना। अगर किसी नदी नाले के पास जाओ तो इसका हाथ पकड़ लेना, कहीं गिर विर ना जाए। मैया मैं अभी से इसका हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ पकड़ लो, लेकिन बाद में छोड़ना नहीं। गोकुल देखो, देखो राधे ये हमारी यमुना जी है। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है, ये हमारी भी है। राधे तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती, उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूं श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। फिर भी कुछ नहीं राधे, यूं तो गोलोक में हमारा नित्य मिलन है ही, परंतु धरती पर धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए। हमारा हंसना रोना सुख दुख अथवा मानवीय विवशता का आभास, सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों की परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए।
जो आज्ञा प्रभु। देखो भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। हे माता, इस धरती पर एक साथ आप दोनों के ये दर्शन पहली बार हो रहे हैं। इस बाल रूप की युगल छवि के दिव्य दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहाँ खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ। राजेंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता गंधर्व किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं, और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी इस युगल छवि की स्तुति कर रहे हैं। शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टं उभौरूपं राधाकृष्णं नमाम्य। दर्शन करत मिटे नहीं कृष्णा, दर्शन करत मिटे नहीं कृष्णा। दोनों हैं दोनों के नैन तारे, दोनों हैं दोनों के नैन तारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं, ये भक्त बिंदो राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 रा
जागो मैया के प्यारे ललना जागो नंद दुलारे ललना जागो जग उजियारे ललना जागो जीवन प्राण हमारे जागो मैया के प्यारे ललना जागो नंद दुलारे ललना जागो जीवन प्राण हमारे। इतनी जल्दी उठा दिया, अभी तो प्रभात भी नहीं हुई। अरे प्रभात तो कब की हो चुकी है, पंख पखेरू सब अपने घोंसले छोड़कर दाना चुगने के लिए खेतों में चले गए। अच्छा। और तेरे बाबा तो गोश्त में भी चले गए। ग्वाल बाल सारे अपने गाय बछड़ों के साथ मधुबन जाने के लिए तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा। देख अपनी सुरभि गाय तुझे बुलाने के लिए रंभा रही है कि आओ काना मधुबन चले। सच्ची मैया इतनी देर हो गई? फिर तो मैं चलता हूँ, नहीं तो वो मुझे आलसी आलसी कहकर चिढ़ाएंगे। अरे राधा की माँ, गोकुल से नंदराय जी का न्योता आया है। काहे का न्योता आया है? भाई पूरन मासी के रोज उन्होंने पूरी बिरादरी का भोज रखा है, उसी दिन कृष्ण और बलराम दोनों का तुला दान होगा। से नहीं आ रही हूँ, आपकी मैया ने न्योता भेजा है इसीलिए आ रही हूँ। मैया के न्योते में मेरा भी न्योता सम्मिलित है। अच्छा? हाँ, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जी चाहता था कि अगर तुम साथ होती तो वही रास रचाते तो आज्ञा कर देते, बस संकोच में ही रह गया। आपके संकोच से हमारी हानि हो गई। अब पूर्णमासी के दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य आना। राधा इतना सर क्यों हिला रही हो, चोटी टेढ़ी हो जाएगी, इस तरह के बैठो।
आई थी, अब कृष्ण को बुलाइए। हाँ, कन्नू बेटे अब तुम आ जाओ। कृष्ण की प्रेम लीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बंधन युगों युगों के हैं, बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे मोहन आधे हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला, बंधन युगों युगों के हैं, बिना श्याम राधा है अधूरी, बिन राधे आधे मोहन है। भैया ये क्या था? एक दिव्य प्रेम का उपहार। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। आ बेटा आ जाओ। इन सबको हाथ लगाओ बेटा। ऐसे जीवन ये सब ब्राह्मणों में बांट दो। हम हार गए राधे, धरती पर यह हमारी पहली हार थी, परंतु इस हार में भी हमें कितना आनंद आया। आपने मेरी फूल पत्ती की लाज रख ली, यही आपकी उदारता है राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षति तदहम भक्त्यो उपहरतम श्नामी प्रेतात्मना। हम तो भावना के मूल्य में बिक जाते हैं। और हमारे पास भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो श्री चरणों में अर्पित किया है। राधा चल बेटी। आई माँ। एक बार हमारे बरसाने में चरण धूलि डालिए। अवश्य। Thank you.
राधा बिटिया, किन विचारों में खो गई थी? सपना देख रही थी बाबा। अच्छा, सपने में कहाँ गई थी हमारी बिटिया? गोलोक में। गोलोक? ये गोलोक कहाँ है भाई? सब लोगों के ऊपर एक लोक है। ओहो, इसकी बातों के फेर में पड़े तो सभी लोग घुमा देगी। हाँ हाँ, राधा बेटी दूसरे लोगों की ही बातें करती आई है। बरसाने वाली राधा से मन बांधा, रस बरसाने को दो अमर प्रेमी धरती पे मिले। यहाँ प्रेम की ज्योत जगाने को एक जसदा को फूल गुलाबी, एक जसदा को फूल गुलाबी, एक वृष भानति काच कले मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी।
तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। हाँ। राधा क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है, लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। तो फिर कब मिलोगी? कल आओगी? मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ? जैसे आज आई थी। आज तो बाबा पंचायत वालों के साथ यहाँ आए थे, तो माँ भी साथ आ गई, इसी बहाने मैं भी सखियों के साथ आ गई। कल किस बहाने आऊंगी? अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ लेना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली ना बजाना। क्यों? तुम्हारी मुरली के सुरों में न जाने क्या जादू है। सारी गांव वालियां जब दोपहर को घर में आराम से सो जाती हैं, मुरली सुनते ही वो भी जाग जाती हैं, और फिर सबको पता चल जाता है कि तुम हमारे गांव के बाहर आ गए हो। फिर सब झरोखों में से झांकने लगती हैं। मैं कितनी भी छुप छुप कर आऊं, फिर भी सारे गांव में बात फैल जाती है। घर घर में मेरी और तुम्हारी चर्चा होने लगी है। जब गली में से पानी लेने निकलती हूँ तो सब मुंह घुमा के ठिठोली करती हैं। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, जो निंदा से डरे उसे प्रेम की डगर पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब मैं मुरली बजाया करूं तो तुम घर से मत निकला करो। परंतु ये पापिन मुरली ही तो सारे दुखों की जड़ है, इसे सुनकर आए बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। इस सौतिन के सुर तो जैसे पाश में बांध कर ले आते हैं मुझे। इसीलिए कहती हूँ मुझ पे दया करो, ना हमारे गांव आओ और ना मुरली बजाओ। फिर तो प्रेम करना छोड़ दो। ये भी तो संभव नहीं है। फिर ये भी संभव नहीं कि मैं आना छोड़ दूं। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं, मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं, इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहाँ तुम सब के चरणों के निशान होते हैं, मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूँ। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। राधा नहीं चलती तो चल हम तो यहाँ से निकले। राधा, सुखिया कहती है कि मैया इसी ओर आ रही है। बस अब मुझे जाने दो, पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो, बोलो। हाँ, हाँ आऊंगी। हा? मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। राधा, अरे ओ राधा, ललिता, ओ सुखिया, कहाँ हो सबके सब? मैं तो यहाँ हूँ। अरे कहाँ गुम हो गई थी सबके सब? कहीं नहीं काकी,
हम तो घाट पर बैठी यमुना जी की धारा देख रही थी। अरे काकी, आज तो कोई देवी की मन्नत मानो, राधा डूबते डूबते बच गई। हाय दैया, क्या हुआ? हम लोग नदी में पैर लटकाए बातें कर रही थी कि अचानक एक मोटी सी मछली ने आकर राधा के पैर को काट लिया। राधा जो घबरा के उठी तो पाँव ही फिसल गया। ये तो यमुना जी में गिर जाती, वो तो गोकुल का एक ग्वाला पास में था, उसने इसका हाथ थाम लिया और इसे गिरने से बचा लिया। हे भगवान, तभी तो कहती हूँ छोरियों, ऐसे मुंह उठाए जहाँ तहाँ मत घूमा करो। अच्छा काकी, पंचायत में क्या निर्णय हुआ, अब की होली कहाँ होगी? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है, नंदराय जी तो अड़े हुए हैं कि होली गोकुल में ही होगी। मुझे पता है नंद बाबा क्यों अड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बरसाने वालियाँ गोकुल वालों की खूब पिटाई करती है इसीलिए। काना, तुम तो प्रेम के चक्कर में ऐसे गुम हुए कि गांव की कुछ सुध ही नहीं ली कि पंचायत में क्या हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है? बरसाने वालों और गोकुल वालों में कोई फैसला ही नहीं हो रहा है कि होली कहाँ होगी, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अच्छा, तो चलो अभी फैसला कराए देते हैं। चलो। हाँ चलो। नंदराय जी, चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, इस बार भी होली गोकुल में ही होगी। ऋषभान जी, आपने हमारी बात रख ली, इसका हम कैसे धन्यवाद करें। भाई, हम सारे गोकुल वाले आपका आभार मानते हैं। लो, हमारे आने से पहले ही निर्णय हो गया। अब तो आनंद ही आनंद है, अब तो सबको गोकुल आना ही पड़ेगा। अरे भाई, बरसाने की ग्वालिनों से डरते हो, इसीलिए तो निर्णय हुआ है। ये बात तो सच है बाबा, हम बरसाने की ग्वालिनों से सचमुच बहुत डरते हैं। काका, आप चिंता न कीजिए, बरसाने की ग्वालिनें तो इनके घर में आकर भी गोकुल वालों को पीट सकती है। हाँ हाँ, देख लेंगे बरसाने वालियों को, और फिर हमें तो उनसे पिट कर भी आनंद ही आएगा। सच कह रहे हैं क्या? मतवारे आए होंगे, राधा के संग छोरी आए, बाजी हां चाना के संग सारे आए, बाजी हां होरी है। कीच जी रंग की होरी सुहावे, तुम्हें कौन से ढंग की? कीच की वो तो नीच की होरी, मुलाल माने प्रेमी लिए भी। बरसानों को बुलायो है, हमें तो भेज बुलायो है, नहीं जाए तो फिर है ही जाए, नहीं जाए वहाँ है ही जाए। रसम भरी पूरी एक काम करी दे, पूरी में जो बन पूरे नाम करी दे, जो बन हमारो नाय से वो मठा, हम प्यार मांगेरी मांगे नहीं दान, अधिकार मांगेरी। लिए प्रेम भरो तो विरज में होली आई, ये रंगगंज की बौछार विरज में होली आई। होली आई रे, होली आई रे, होली
मैं तेरा साजन। अच्छा तो बात को चंदन किसमें नंदन। रंग डारे राधे तुम पर का रंग डारे तुम पहले ही रंग रंगीले रसिया को पहचानो रसिक बिहारी को पहचानो सारे मारे मारे चूड़िया करके अरे करकंदे भैया मुर्दे हम मुर्कंदे चूनर करके सरकंदे छटिया करके अरे सरकंदे सब सखियन की उगत बन चुकी हट गई सारी खटी बन चुकी प्यार है चुको रार बन चुकी मनमानी की मौज बन चुकी कोचा माँ कोचा कोचा माँ कोचा पेट नहीं भरे दिखाई दे ये प्रेम भरो तो सिरज में हो Thank you.
रंग डारे लड़कियाँ किसी दूसरे घाट पे नहा रही होगी, राधा भी वहीं सखियों के संग होगी। अरे इन छोकरियों को हमारे संग डोलना अच्छा ही नहीं लगता है। अरे बहन जी, यही तो उम्र होती है जब सखियों का महत्व अधिक होता है। इस उम्र में सखियाँ जान से भी अधिक होती हैं। हाँ, जाने घंटों आपस में बैठकर क्या क्या बातें करती रहती है, और जब ढूंढने निकलो तो कभी किसी झाड़ी के पीछे छुपी मिलेगी और कभी पनघट पर। यहाँ तक तो हम तुझे ले आई, अब आगे तेरा काम। तेरा कान्हा बाजू के झुंड के पीछे तेरी राह देख रहा है। तू जल्दी से निकल जा, 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 जा ना, जा। पर किसी ने देख लिया तो? अगर इसी प्रकार तू बातों में समय गवाएगी तो अवश्य कोई देख लेगा। हम यही पुल पर बैठकर तेरा पहरा देंगी, यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देंगी। कुंजों में राधे को मोहर
जाना पर बस भैया धर के प्रथम स्पर्श का मधु आवास कभी पल खाती कभी खिलाती चले पिया की अभी सारी देखो नहीं नवेलीला। अच्छा ललिता एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों, अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है, जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता, मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती, सच बोल, तू भी नहीं करती? पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठे क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलते। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो, होली में इतनी बरचोरी की सब देख रहे थे, भला ऐसी डिठाई कोई करता है? हाँ। कौन? जो ढीट होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीट हूँ। वो तो हो। अच्छा एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी परंतु। अच्छी तो लगी फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है, फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूं कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ क्यों नहीं। कैसे? इसमें क्या मुश्किल है, एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ क्यों नहीं। तो आओ
आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो ये घाघरा पहन लो। अरे अनाड़ी, इसे ऐसे नहीं ऊपर से पहना जाता है। अच्छा तो बताओ कैसे पहनते हैं। हाँ बताती हूँ। अरे पहले अपना ये मुकुट तो उतारो। हाँ लो इसे तुम पहन लो और कृष्ण बन जाओ। हाँ पहनाओ। अरे वाह किशन जी। अच्छा लो अब तुम राधा बनो। हाँ। आ जा रे कन्हैया तो है राधा बना दू। ओ मुरली वाले जग से निराले तन मन के काले अमृत के प्याले मेरे मन को बांधने वाले तो है घगरा। नारी चिचोर रसिया कस के चोली के बंद कस दू तू तड़पे और मैं मुस्का दू रे मैं मुस्का दू। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दू। अरे वाह अब ओढ़नी भी ओढ़नी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं तो है ओढ़ने उड़ा के रे निर्लज कछु लाज सिखा दूं। कान्हा तेरे कोमल तन पे राधा का सिंगार सजा दूं। राधा बन गया ना पूरी राधा। पूरी नहीं ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है और मिलन हो तो फिर आने वाली जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में। तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो। तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है। बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूं तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया।
केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तू भगवान ने हार मान ली? हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। हमने निश्चय किया है कि कलयुग में एक ऐसा अवतार लेंगे जिसमें शरीर तो कृष्ण का ही होगा परंतु हृदय राधा का होगा। आह, कितना आनंद आएगा जब राधा की भांति कातर होकर केवल कृष्ण कृष्ण पुकारते फिरोगे। हाँ, वही करूंगा, वही करूंगा। चैतन्य के रूप में नवद्वीप से लेकर वृंदावन तक कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा। कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। क्या? मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। मुरली बजाना सिखा दूं? क्यों? इसलिए कि पहले तो मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है, और कभी थक हार कर मुश्किल से थोड़ी देर के लिए जरा सी नींद आ भी जाए तो बहुधा उसी समय तुम मुरली की तान छेड़ देते हो। बस फिर मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो मैं भी ऐसा ही करूं, जब तक जागूं मुरली बजाऊं, ना मैं सोऊं और ना तुम्हें सोने दूं। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ। अच्छी बात है, कल मैं तुम्हारे लिए एक मुरली खरीद लाऊंगा और सिखा दूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? पर आज मुरली कहाँ है? तो ये क्या है, ये मुरली नहीं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। क्यों? देखो, तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो केवल कृष्ण को जगाए। और ये? ये तो कृष्ण की मुरली है, जब ये बजेगी तो सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। फिर एक तुम ही नहीं, और ना जाने प्रेम की प्यासी कितनी ही आत्माएं इस मुरली के सुरों में बंद कर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी?
ये तुम्हारा अहंकार है कान्हा। राधा जैसा प्रेम तुमसे और कौन करेगा? याद रखो, अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वो प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वो अवश्य अपना अधिकार मांग सकती है। प्रेम में मांगना नहीं, देना होता है राधे। ये सब दार्शनिक बातें रहने दो। तुम्हें अभिमान है ना अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर? तो बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। वही पैर धर सकेगी जो तुमसे मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यही भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। फिर सोच लो। सोच लिया।
मुझे क्षमा कर दो खाना, मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया, राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो, इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है, पर देखो देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, उत्तरा, सुभद्रा, देवयानी सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं, अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यू कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। एक यह भी अर्थ है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत और अद्वैत का रहस्य है, कि द्वैत के अंदर अद्वैत और अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा हुआ है। जब इस सत्य को समझ लोगी तो माया की शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती। ये बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। अर्थात? अर्थात ये कि माया की दृष्टि से चारों ओर जो अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वो सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही हैं, राधा और कृष्ण। इस संसार में जो कुछ है, जो कोई है, वह केवल राधा और कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है।
एक चीज है। वो क्या? प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम। उसके बिना तुम्हारा संसार किसके आश्रय पर टिकेगा? आहा, कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को एक शब्द से ही हटा दिया तुमने। आज हम फिर हार गए राधा। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, एक प्रेम के आगे ही तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना ये संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना तो ये संसार उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। प्रेम पुजारिन राधे रानी हो, प्रेम पुजारिन राधे रानी। कृष्ण प्रेम अवतार रे मनवा, प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। जमुना प्रेम ही राधे, प्रेम ही कृष्णा। एक दूजे के ये अनुरागी सब में जगाए प्रेम की तृष्णा। प्रेम में डूबे प्राण करत है हो, प्रेम में डूबे प्राण करत है। प्रेम के जय जयकार रे मनवा, प्रेम जगत का सार रे मनवा, प्रेम जगत का सार। Oh,
व्रत और पूजा से प्रसन्न है। मांगो, क्या चाहिए? हे शक्ति स्वरूपिणी गौरी माता, आप सब नारियों में श्रेष्ठ और पति का मर्म जानने वाली पतिव्रता देवी हैं। हे माता, आप परम सौभाग्यवती और दूसरों को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। इसीलिए इस धरातल पर रहने वाली हम मानवी नारियां आपका व्रत धारण करके आपसे यही वरदान मांगती हैं कि जिस प्रकार आपने तपस्या करके अपने मन वांछित वर श्री शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था, उसी प्रकार आपके पूजा के फलस्वरूप हमें भी वही पति मिले जिसकी कामना हम सबके अपने अपने मन में है। जिस प्रकार आप श्री शंकर भगवान की परम प्रिया हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने अपने मन वांछित वर की प्रिया हों। हे माता, हमें आशीर्वाद दो कि हम सब की कामना के अनुसार हम सबको अपना अपना श्रेष्ठ पति प्राप्त हो। उठो राधा रानी, हे राधे, हे भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय, हे जगत माता, मैं जानती हूँ कि आपने ये व्रत लोक शिक्षा और नारी कल्याण के लिए ही किया है। इन सब गोपिकाओं में मुझे आप ही का रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन सब के हृदय में भी श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने की कामना है कि आपको अपना मनवांछित वर हर जन्म में प्राप्त होगा। उस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में इन समस्त गोपिकाओं के सहित
श्री कृष्ण के साथ आपकी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। हृदय का रहस्य जानते हैं, किसके हृदय में किस पति की कामना है वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा वरदान है कि शीघ्र ही तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। आज से 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास का शुक्ल पक्ष आएगा तब तुम सबको अपने अपने मनवांछित कांत की प्राप्ति होगी। हमारा ये वचन निष्फल नहीं होगा।
बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपीन की चली गई ग्रह काज लोक लाज तज की केश खुले बांधे नहीं बसन संभारे नहीं ध्यान कहाँ था कि वो जाती सज धज के छोड़ा किसी ने भोजन छोड़ा किसी ने शयन छोड़ा आई भज भज के कामिनी के मन काम काम न जगाई काम छोड़वाई काम भरी बांसुरी ने बज के Thank you.
रूप अनेको धर प्रकट हुए प्रेम प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे इसका आभास है। यही महाराज है, यही महाराज है।
राधे, अब जाने का समय हो गया है। कल हमें विदा करने गोकुल नहीं आओगी? नहीं। तुम जानती हो कि हम फिर लौट के गोकुल नहीं आएंगे, इसीलिए जाने से पहले एक बार दर्शनों की अभिलाषा है। भगवान है, आपको किसी बात की अभिलाषा? कैसी अभिलाषा? लालसा तो केवल मानवों को होती है। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो, भगवान को कोई मानवीय अभिलाषा नहीं होती, परंतु भगवान भी प्रेम का भूखा अवश्य होता है। भगवान को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता उसे भी होती है। राधे, ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना हम तोड़ सकते हैं और ना ही तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए एक छोटी सी विनती की है। तुम बड़े कठोर हो, जो प्रेम में विवश हो उसे और भी विवश किए जाते हो। सबके सामने मेरी विवशता का दृश्य दिखाकर मेरी और भी हंसी उड़ाना चाहते हो। नहीं राधे, हम एकांत में मिलेंगे। जैसी तुम्हारी आज्ञा।
राधे कृष्ण कृष्ण राधे, राधा कृष्ण की प्रेम लीला।